जयपुर साहित्य उत्सव के दूसरे दिन आज अनेक सत्रों में देश विदेश के वक्ताओं ने अपनी बात रखी। एक सेशन में फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी ने अपने फिल्म संघर्ष के बारे में बातचीत की। वहीं फिल्म अभिनेत्री नीना गुप्ता ने सीमा गोस्वामी से बातचीत में अपने जीवन और फिल्मों के बारे में बातचीत की। बाद में मीडिया से बातचीत में मनोज वाजपेयी ने ओटीटी को एक क्रांतिकारी प्लेटफॉर्म बताते हुए कहा कि इससे दर्शक हर तरह की भाषा की फिल्म देख सकता है। नीना गुप्ता ने भी सत्र के बाद मीडिया से बातचीत की। हम सारी हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री नहीं कर पाए और हिंदुस्तान के का कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर पाया। वो दो हर लेवल पे ओटीटी ने दर्शकों को जोड़ा है, दर्शकों को हिंदुस्तान की कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। अब किसी भी भाषा में आपको अच्छी फिल्म, अच्छा सीरीज बनाने की ज़रूरत है, वो किसी भी भाषा में हो। दर्शक जयपुर का दर्शक तमिल लैंग्वेज की फिल्म देख रहा है, जयपुर का दर्शक वो समझ रहा है कि मलयालम में कौन सा एक्टर अच्छा काम कर रहा है, या फिर केरल का जो दर्शक है वो मनोज वाजपेयी के काम को देख रहा है जो शायद उसने बहुत कम देखा था। संबंधों से मुक्ति नहीं पा सकता है मानव मन, संबंधों से मुक्ति नहीं पा सकता है मानव मन, भूत भविष्य के बीच खड़ी है वर्तमान की उलझन। सो रिलेशनशिप्स आर समथिंग विच नोबडी नोज, नाइदर यू नॉर मी, वी हैव टू एक्सपेरिमेंट, वी हैव टू एक्सपीरियंस एंड लर्न व्हाटएवर वी कैन लर्न फ्रॉम इट। किलो पर्सन